तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं विशाल लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू बाइक, ऐसा कह सकते हैं। बाकी होंडा ने इस बाइक का इन्वेंट किया था जब मार्केट में चल रही थी बजाज की पल्सर 150 सीसी की, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना पैसों को किफ़ायती बनाते हुए सस्ती बाइक निकालें जिससे कि लोगों को लेने में भी आसानी हो सके और माइलेज भी बेहतर दे सके। तो इसलिए उन्होंने निकाली थी 125 सीसी की ये स्ट्रूनर CBF, जो कि आपको एक 125 सीसी में 11 BHP की पावर जनरेट करती हुई बाइक मिली थी। इसमें अगर इसका कंटिन्यूस रहने का कहा जाए तो ये थोड़े दिन बाद डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। उस समय जिन्होंने इसे परचेस किया उनके पास ये बाइक आ चुकी थी। फर्स्ट टाइम ग्राफिक्स स्टिकर के बारे में इसने ही सोचा था होंडा ने। देख सकते हैं आप जो पल्सर में आज मिलते हैं ग्राफिक्स स्टिकर, वो होंडा ने पहले ही अपनी बाइक को दे दिए थे, जो कि इसके लुक्स को थोड़ा सा बढ़ाने के काम आए थे। और बाकी अगर रिजर्व में या चौक वगैरह की बात की जाए बाइक की, तो वो आपको मिलता था सीधा ही मुंह पर, जिससे कि आप इसे दूसरी तरफ हाथ ऐसे वैसे ना डाल करके यहीं से खींच कर इसे चौक दे सकते थे। बाइक का पेट्रोल ख़त्म होने के बाद एक सफिशियंट पावर या चलने के लिए एक मिल जाती थी। दूसरे इसके अगर 125 सीसी की पावर देने की वजह से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने डिस्क ब्रेक देख करके एक सेफ्टी परचेज से गाड़ी को अच्छे से तैयार कर दिया था। लाइट की बात की जाए तो आपको एक ही हेडलैम्प मिलता है जो कि ठीक ठाक रोशनी जनरेट कर देता है। दूसरी बाइक की अगर वीकनेस की बात की जाए कि इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें गलत कर दी थी उन्होंने, तो उन्होंने फर्स्ट तो इसमें कीकी नहीं दिया बाइक में, यानी आप अगर आपकी बैटरी ख़त्म होती है तो फिर बाइक आपको कैसे चालू करनी है इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सेकेंड इसकी अगर डिफ़ॉल्ट की बात की जाए तो वो होता है इसकी एक लंबाई जो दे रखी है, और उसके साथ साथ ये जो दे रखे हैं साथ में, उससे ये प्रॉब्लम आई थी कि ये अगर आपकी बाइक थोड़ी गिर जाए तो ये ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, जो कि पल्सर ने अभी तक इतनी बड़ी नहीं दिए हैं। RS की बात की जाए तो RS स्पोर्ट बाइक है, उसकी इससे कंपेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 75 सीसी मोर है देन इससे, और BHP भी बहुत ज़्यादा जनरेट करती है वो। बस बाकी ठीक ठाक मैंने सोचा मिल गई ये बाइक तो एक रिव्यू कर ही दूँ आपके लिए। इसके माइलेज की अगर बात की जाए तो आपको ये ठीक ठाक दे देगी, 49 से 53 तक का माइलेज जनरेट कर देती है ये, इतना 150 सीसी में भी मिल जाता है आपको। तो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट कस्टर को अगर देखेंगे आप तो आपको एक नॉर्मल सा ही मिलेगा, ना कोई की ऑन करने पर ना कोई ये 12 पे जाकर वापस आएगा, ना ये 140 पर जाकर वापस आएगा, और एक नॉर्मल सा मीटर मिल जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो आपको यहाँ पे ट्रिप सेट वाला मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप ट्रिप सेट कर सकते हैं इस बाइक को, और यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑडोमीटर की रीडिंग, साथ ही न्यूट्रल का इंडिकेशन और ये लाइट का इंडिकेशन, इंडिकेटर इंडिकेशन, फ्यूल और RPM मीटर मिल जाता है, जो कि 12,000 तक आपको इस बाइक में मिल जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते ही इसका RPM डाला जाता है 2000 के पास। और अब इसका अगर साउंड की बात की जाए तो ये साइलेंट बाइक कह सकते हैं, इसके साउंड में ज़्यादा जनरेट नहीं करती है। अब इसका सुन लेते हैं साउंड। तो दोस्तों नॉर्मल सा साउंड मिल जाता है, या कह सकते हैं बहुत अच्छा साउंड मिलता है। अब इसकी राइडिंग करके देखेंगे कि ये कितने गियर्स में या कैसे स्मूथनेस लगती है। तो लेट्स स्टार्ट इसकी राइड। दोस्तों अगर हैंडलिंग की बात की जाए तो हैंडलिंग एक कंफर्टेबल मिल जाती है इसमें,